स्टार्ट। सो हे गाइस, वेलकम टू हाउ टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी, मैं आपका होस्ट। और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 को एक्टिवेट करने के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा लूँ, जो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 2019 इंस्टॉल है वो एक्टिवेट नहीं है। वो मुझे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, तो हमें उसको रिजॉल्व करना है किस तरह से। कुछ इस तरह से मैं इसको क्रिएट करता हूँ और ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड करता है। तो अभी तो नहीं आया, तो अभी मुझे साइन इन मांग रहा है, तो आई डोंट वांट टू साइन इन। और अगेन मुझे प्रोडक्ट की मांग रहा है। और अगर आप ओपन करके दिखाता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 ही है। इधर से जाते हैं फाइल में और इसके अकाउंट्स में जाते हैं। तो इधर आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 एक्टिवेटेड, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे लास्ट टाइम जो अपने प्रोडक्ट की यूज़ की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। अभी हमें चेंज करनी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के लिए। तो सेम प्रोसेस है जो हमने बैक पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं कि 2016 को एक्टिव किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो इधर आपने आगे सिंपली टाइप करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है और डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक भी बताया हुआ है। तो उसके ऊपर आपने जाना है बिटली ऑफिस 2016 है, इसको 19 का देना है। और टेक्स्ट फाइल आपको इस तरह की दे देगा जैसे हमने पहले वाली दी थी। इसको कॉपी करना है, कॉपी मिनिमाइज, और यहाँ पर एक और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमें लेना है। जैसे हम इसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं तो इसको हम ओपन कर लेंगे, ऐसे हमें पेस्ट कर लेंगे। अभी हमें करना है फाइल सेव एज, और यहाँ पर हमें वही सेव प्रोसेस activator.cmd। और सो डैट्स ऑल, ये हमारा इधर आ चुका है। इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसको हम जल्दी ट्राई कर देते हैं। तो हमें सिंपली इसको ओपन करना है, इससे सॉरी हमने करना है एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यस करते हैं। तो अभी हमें कुछ फ्यू सेकंड्स में देखें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल प्लस 2019 वाला, ये हमें अभी एक्टिवेट करके देगा। तो इधर आपको कुछ 10 से 30 सेकंड्स आपको इधर वेट करना है, तो ये आपको 2019 वाला एक्टिवेट करके दे देगा। तो डैट्स ऑल, आपने इतना ही काम करना है। तो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वेट कर लेते हैं जब तक हमारा ये एक्टिवेट होता है। तो एक्टिवेटिंग योर ऑफिस, सो वेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के लिए। देखें, आ चुका है प्रोडक्ट एक्टिवेशन सक्सेसफुल। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाएगी, तो हमारी प्रोडक्ट एक्टिवेट हो गई है। पर अभी आपने क्लोज नहीं करना, मे बी आपको ये अगेन कोई और भी पीछे दे सकता है। उसकी ये कोई हमारा भाई है msguides.com, इसके ऊपर आप विजिट भी कर सकते हैं। और ये कहते हैं वुड यू लाइक टू विजिट माय ब्लॉग, अभी के लिए नहीं। तो अगेन मैं एन प्रेस करूँगा तो ये विंडो क्लोज। इतना ही काम था हमारा, अभी हम इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया था आपको दिखाने के लिए। सो दैट्स ऑल गाइस, सब कुछ आपके सामने है। द फाइन प्रिंट, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019 एप्स आर इंस्टॉल्ड एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल वर्ड। अभी हम गेन जाएंगे फाइल में, और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं अकाउंट में। अकाउंट में देख लेता हूँ, हमें देखने मिलता है प्रोडक्ट एक्टिवेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019। तो इस तरह से आप भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अभी तो लाइक कर दो ना यार, और चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब भी कर दो। तो इस तरह की मजीद वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपको पता है क्या क्या करना है। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाउ टू मजीद वही मेरा यूज़र नेम है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए हम कोई न्यू वीडियो लेकर नहीं आते।